ने कहा जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है, जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया, इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ, मैं मुगल का वंश का भी नहीं हूँ, डायनेस्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। लेकिन ये भी सवाल उठते हैं कि मुगल असम में 17 बार यहाँ पर अटैक किया था और उसी टाइम में अहोम के जो कमांडर थे लासित बोरफुकन, उन्होंने सरायघाट बैटल में मुगल को परास्त किया था। तो इसी विषय का आप असम के एक सांसद है, बरपता से आप सांसद है, फिर भी आप इसी बात को लेकर क्यों बोला रहे? देखिए जरूर मुगलों ने असम अटैक किया था, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल में नहीं हुआ था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के हुकूमत में था, उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के राजा रहे, हिंदुस्तान के राजा होने के नाते वो लोग असम को अटैक किया था। और जो हमारे अहोम आर्मी, ये अहोम आर्मी ने मुगल को बार बार पराजित किया था, ये भी सच है। लेकिन देखो उस टाइम में असम एक अलग राष्ट्र है, एक आज़ाद राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक दूसरे राष्ट्र है। तो वो दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन मुगल एंड नॉट ओनली मुगल एंड अहोम, दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन इंडिया एंड असम। लेकिन आप भी नाउ असम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज का डेट में सिचुएशन अलग है। और मेरा जहाँ तक मेरा क्षेत्र के बात आते हैं, मेरा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उसका 7 अहोम किंगडम में था उस डेट में, और 3 दूसरे किंगडम में था जो कुछ किंगडम में, जिसमें कुछ दिन मुगलों का भी कब्जा था। तो इसीलिए ये सब मत बोलो, उस टाइम वो ये सरायघाट का बैटल हिंदू मुसलमान का बैटल नहीं था, ये सरायघाट का बैटल उस टाइम का हिंदुस्तान के राजा और उस टाइम का असम के राजा का बीच ये बैटल था। लेकिन